सतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज। अपकिरण ज्ञात करने की सीमा रीति की जो तीसरी रीति है वो है सतमक विस्तार रीति। इससे पहले हम सीमा रीति के अंतर्गत अपकिरण ज्ञात करने की विस्तार रीति और अंतर चतुर्थक विस्तार रीति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सीमा रीति के अंतर्गत अपकिरण ज्ञात करने की जो अंतिम रीति है वो है सतमक विस्तार रीति, उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं या इसके अर्थ को देख लेते हैं। 90 तथा 10 क्रम संख्या के सतमकों का अंतर सतमक विस्तार कहलाता है, यानी 90वां सतमक और जो 10वां सतमक होता है इन दोनों का अंतर सतमक विस्तार कहलाता है। सतमक विस्तार निकालने का जो फॉर्मूला है वो है PR यानी परसेंटाइल रेंज बराबर P19 माइनस P10। यहाँ पर PR सतमक विस्तार को दर्शाता है और P19 90वें सतमक को और P10 10वें सतमक को दर्शाता है। अब हम इसका एक संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं जिससे सतमक विस्तार आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, जिसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है। इसी एग्जाम्पल को हमने अंतर चतुर्थक विस्तार रीति में लिया था, लेकिन वहाँ पर हमने केवल अंतर चतुर्थक विस्तार ही निकाला था। अब इस एग्जाम्पल में हम सतमक विस्तार ज्ञात करेंगे। तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि भाई जो ये श्रेणी दे रखी है इसको सबसे पहले तो हम व्यवस्थित रूप में यानी ये अवरोही क्रम में दे रखा है यहाँ पर, यानी सबसे जो ज़्यादा मूल्य है उसको जो सबसे ज़्यादा वर्गांतर है उसको पहले लिख रखा है, फिर उससे कम यानी घटते क्रम में इसको लिख रखा है, अवरोही क्रम में इसको लिख रखा है। तो हम सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे कम वर्गांतर है उसको पहले, फिर उससे अधिक वर्गांतर को, फिर उससे अधिक वर्गांतर को, इस प्रकार से हम ये वर्गांतर लिखते हैं। और इनके सामने जो भी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, उनको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 से 5 दो है, फिर 6 से 10 तक ये 5 है, फिर 11 से 15 यहाँ पर 15। इस तरह से हम इनको व्यवस्थित रूप से क्रम में जमा देते हैं। फिर इसके बाद में हम ये जो श्रेणी है इसको अपवर्जी श्रेणी में बदलते हैं, क्योंकि ये एक समावेशी श्रेणी है। यहाँ पर जो प्रथम वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा और जो दूसरा वर्ग है उसकी निचली सीमा, ये दोनों समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक समावेशी श्रेणी। अब इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रथम वर्ग होता है उसकी ऊपरी सीमा और जो निचला वर्ग होता है, जो दूसरा वर्ग होता है उसकी निचली सीमा, इन दोनों का जो अंतर होता है, दोनों में अंतर है क्या है, 1 का, या 5 है या 6 है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसमें हम 2 का भाग देकर जो मान आता है प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, उसमें जो डिफरेंस होता है
उसमें हम दो का भाग दे के जो मान प्राप्त होता है उसको हम निचली सीमा में से तो घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर एक में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5, फिर ऊपरी सीमा में हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5.5। इसी तरह से हम अगले वर्गांतरों में ये क्रिया अपनाते हैं। 6 में से 0.5 माइनस किए तो 5.5, और 10 में 0.5 को हम प्लस करेंगे तो ये 10.5। इस तरह से हम सभी वर्गांतरों को अपवर्जी श्रेणी में बदल सकते हैं। फिर अपवर्जी श्रेणी में बदलने के बाद में हम जो ये श्रेणी दे रखी है उसको, उसमें जो आवृत्तियाँ दे रखी है उन आवृत्तियों को हम संचय आवृत्तियों में बदल लेंगे, यानी संचय आवृत्तियाँ ज्ञात कर लेंगे। तो संचय आवृत्ति के लिए हम जो ये आवृत्ति दे रखी है उसमें हम इनको जोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में 5 ऐड किए तो 7, 7 और 15 22, 22 और 20 42, 42 और 30 72। इस तरह से हम संचय आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। फिर संचय आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में हम यहाँ पर सतमक विस्तार ज्ञात कर रहे हैं, तो हम सतमक विस्तार के लिए जो इसका फॉर्मूला दे रखा है P19 माइनस P10, तो इन दोनों के मूल्य हमें ज्ञात करने हैं। 90वें सतमक का और 10वें सतमक का मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम जो P10 है सबसे पहले वो ज्ञात करें, तो P10 के लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ 10वें सतमक को ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्या 10 दे रखी है तो हमने 10 रख दिया। फिर n का मान है ये 100, तो 100 रख दिया और नीचे हम भाग देंगे 100 का, क्योंकि सतमक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भाग देंगे हम 100 का। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा 10। तो 10 यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे 10th आइटम। तो 10वें जो पद का मान है उसको हम CF में देखेंगे। तो यहाँ पर जो संचय आवृत्ति है वो 10 दो में नहीं है, 7 में नहीं है, 22 में। तो यहाँ पर ये जो P10 का जो वर्गांतर है वो होगा हमारा 22 के सामने ये हमारा P10 का वर्गांतर ज्ञात हो गया। P10 का वर्गांतर ज्ञात हो गया। फिर इसके माध्यम से हम F यानी P10 वर्गांतर के सामने की जो आवृत्ति है वो है 15। फिर C, तो C के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वर्गांतर दे रखा है, उसके सामने जो संचय आवृत्ति है यानी यहाँ पर 22 है, उससे ऊपर वाली जो संचय आवृत्ति है वो होगी हमारी C। तो यहाँ पर ये 7 आ गया। और I यानी वर्गांतर का जो विस्तार है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा में जो अंतर है वो हमारा होगा I। तो यहाँ I क्या होगा, 10.5 से यहाँ पर ये 15.5 है, यहाँ पर 15.5 है, ये गलत लिख रखा है। तो ये 15.5, 10.5, इन दोनों का अंतर 5।
हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था वहाँ भी हमें यहाँ पर 10.5 की जगह 10.5 से 15.5 करना है, यहाँ पर ये 20 गलत लिख रखा है, यहाँ पर ये 15.5 है, यहाँ पर आप ये देख लेना। फिर हम जो ये फॉर्मूला दे रखा है P10 ज्ञात करने का, L1+IF P10-C, तो P10 का मान हमने निकाला था 10, और L1 यानी जो ये वर्गांतर दे रखा है उसकी निचली सीमा, तो L1 हमारा आ जाएगा 10.5, I हमारा है 5 और F हमारी है 15, F हमारी होगी 15, C हमारा होगा 7 और यह है ही। इस तरह से हम ये मान रख देते हैं। फिर मान रखने पर ये 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 5 हमारी यह है ही, तो इनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा P10 = 11.5, ये हमारा P10 का मान हो गया ज्ञात। इसी तरह से हम P19 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम P19 साइज ऑफ, यहाँ पर संख्या है 90, तो 90 N/, यहाँ पर शतमक ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 100 रखते हैं द आइटम, तो यहाँ पर साइज ऑफ 19 N हमारा यहाँ पर है 100, ये भी 100, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, फिर ये 90 बच गई, 90वां पद है। तो 90 में जो पद है उसको हम संचयी आवृत्ति में देखेंगे, तो ये 93 वाले इसमें आता है, 93 वाले वर्ग में, यानी जो संचयी आवृत्ति है वो 93 में आता है, तो इसके सामने जो वर्गांतर है वो है 35.5 से 40.5। तो ये जो 90वां शतमक है उसका वर्ग हमें ज्ञात हो जाएगा। नब्बे 93 वाली संचयी आवृत्ति में आते हैं, इसलिए हमारा जो 90वां शतमक है P90 उसका वर्गांतराल होगा 35.5 से 40.5। तो यहाँ पर ये L1 हमारा होगा 35.5 और I होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 5, और F इस वर्गांतर के सामने वाली जो आवृत्ति है यानी 35.5 से 40.5 के सामने वाली आवृत्ति है 5, तो ये हमारा F ज्ञात हो जाएगा। और हम C को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा वर्गांतर है ये इसके सामने वाली जो संचयी आवृत्ति है 93, तो इससे ऊपर वाली जो संचयी आवृत्ति होती है वो हमारा होता है सी, तो यहाँ पर सी है 88। इस तरह से ये हमें मान प्राप्त होने पर फिर इसको फॉर्मूले में रखकर हम P19 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, फिर इस फॉर्मूले में हमने सभी के मान को रख दिया, तो मान को रखने पर हमें जैसे 35.5 L1 यानी निचली सीमा हो गई, I हमारा 5 है, F हमारी है 5, और फिर P19 का मान आया था 90
उस सी का मान हमारा 88। इनको रखने पर और इनको फिर हल करने पर हमें P19 का मान प्राप्त हो जाता है जो है 37.5। तो हम अब PR निकालेंगे, सतमक विस्तार। तो सतमक विस्तार के लिए हम P90 में से P10 को माइनस कर देते हैं। P90 का मान है 37.5 और P10 का मान है 11.5। तो ये 37 में से हम 11 को माइनस करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 26। तो हमारा जो सतमक विस्तार है वो है 26। इस तरह से हम सतमक विस्तार को ज्ञात कर लेते हैं। सतमक विस्तार रीति विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार से श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसमें ये चर मूल्यों से प्रभावित नहीं होती और इसमें श्रेणी के मध्य के 80% मूल्यों का समावेश होता है। इस प्रकार से हमने विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और सतमक विस्तार रीतियों का अध्ययन किया जो कि सीमा रीति के अंतर की रीतियाँ हैं। ये तीनों रीतियाँ कौन सी रीतियाँ? सीमा रीति के अंतर्गत आने वाली रीतियाँ हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये रीतियाँ अत्यंत उपयोगी होती हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीमा रीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है।